हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सुनीता मलिक। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। याद है ये 300 साल पहले की जो परंपरा है स्वांग की, वो देख के दोबारा से वही याद आ गया कि हमारा हरियाणा कल्चर कितना रिच है, अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में, दुनिया में एक मिसाल कायम करता है। और आज ये शिव और पार्वती का स्वांग देख के वाकई में दिल की गहराइयों से मुझे दोबारा अपने हरियाणा की संस्कृति और इंडिया की संस्कृति के बारे में पता लगा। दे हैव कम्प्लीटली चेंज द फॉर्मेट ऑफ स्वांग। Do you like this type of format? Even a lady is playing a role in this swang. In nowadays? Yes. Yeah. In nowadays, ladies don't play in swangs, but in this song, Dr. Sandhya Sharma is playing a strong role. Yeah, it's very good tradition. देखिए, कभी किसी चीज़ को अगर आपको बहुत आगे तक बढ़ाना है, तो पहले हमारी जो सभ्यता में जो स्वांग जो हमारे हैं, जो गांव में एक रात को चौपाल में होते थे, बगिया लगा के उसके ऊपर चार ढोलक वाले होते थे, और जो स्वांग में जो कैरेक्टर होते वो सारे मेल ही करते थे। लेकिन अगर ये जो फॉर्मेट चेंज हुआ है जिसमें ये लेडीज़ भी आई हैं, तो ये एक देखिए जमाने के साथ चलना चाहिए। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है पब्लिक के ऊपर और युवा वर्ग के ऊपर। बहुत अच्छा। वॉज इट सेटिस्फैक्ट्री? इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, वेरी हाईली सेटिस्फैक्ट्री। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम जीवन में बार बार होते रहें और हमारे बच्चों को इस तरह की अपनी संस्कृति से रूबरू होते रहें। धन्यवाद। ऑडियंस को पूरा मज़ा आ रहा है, ये पूरा 11 दिन का नवरस थिएटर जो फेस्टिवल चल रहा है, और इसका लोग बहुत मज़ा ले रहे हैं। जो फॉर्मेट चेंज करके सॉन्ग जो प्रस्तुत किया है डॉक्टर सतीश कश्यप, जो हिसार से हैं, मैं मंजीत गौतम, कैमरा पर्सन वासुदेव के साथ।